चैनल आज हमने चैप्टर क्वेश्चन का सिक्स पार्ट कवर करना है और उसमें हमने कवर क्या करने हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स। अब पहली चीज है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ कितने पार्ट्स पे डिवाइडेड है। एक फर्स्ट जो पार्ट है वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, नेक्स्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में टू पार्ट्स है, एक तो है जिसमें स्पीड इंक्रीज करेगी और नेक्स्ट है जिसमें स्पीड डिक्रीज करेगी। तो हम फर्स्ट वाला स्टडी करते हैं। इसमें क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का क्या मतलब है कि यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस पे क्या गिवन है डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे क्या गिवन है टाइम, तो इसलिए इसको कहा गया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब हमने इसमें फर्स्ट वाले में क्या बताया है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है मतलब इक्वल टाइम इंक्रीज हो और क्या हो इक्वली डिस्टेंस कवर हो। अब इस ग्राफ को देखिए यहाँ पे क्या है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड 4 5 एंड 6। अब एक एक सेकेंड तो क्या है टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो मतलब टाइम क्या है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है। अब डिस्टेंस पे देखिए यहाँ पे क्या है 2 मीटर्स 4 मीटर्स 6 मीटर्स 8 10 और 12 मीटर्स, तो यानी कि 2 2 मीटर्स तो क्या है डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। टाइम जब था 1 सेकेंड तब डिस्टेंस कितना था आपके पास 2 मीटर्स, जब टाइम हुआ 2 सेकेंड्स तो हमारे पास डिस्टेंस कितना आ गया 4 मीटर्स, ऐसे ही जब 4 मीटर हुआ तो कितना आ गया 8। तो इसी तरह से क्या है कि जैसे जैसे हम यूनिफॉर्मली टाइम को इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे यूनिफॉर्मली क्या है हमारे पास डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, इसी को कहा जाता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट स्टडी करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे है, टाइम देखिए कैसे है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे डिस्टेंस को देखिए, डिस्टेंस तो कैसे इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्मली जो है डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्मली कैसे कि जब हमारे पास टाइम था 1 सेकेंड तो 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस उसने कवर किया 1.5, जैसे 2 हो गया तो कितना इंक्रीज किया उसने 2.5, ऐसे ही 3 पे 4.1। तो जैसे जैसे हम लोग टाइम इंक्रीज हो रहा है टाइम तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है लेकिन डिस्टेंस कैसे इंक्रीज हो रहा है नॉन यूनिफॉर्मली, कि पहले 1.5 है फिर कितना आ गया 2.5 है 4.1 ऐसे ही 6 पॉइंट समथिंग। यहाँ पे क्या है डिस्टेंस में जो इंक्रीजमेंट हो रही है वो यूनिफॉर्म नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो है जिसमें स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन टाइम, सेकेंड है स्पीड क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन टाइम। अब यहाँ पे देखिए धीरे धीरे ये देखिए स्पीड क्या कर रही है इंक्रीज कर रही है, यहाँ पे अगर आप डिस्टेंस अपॉन टाइम रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी स्पीड की वो क्या होगी धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है। ये सिचुएशन कहाँ होती है कि एक प्लेटफॉर्म से ट्रेन चलना स्टार्ट हुई तो धीरे धीरे उस ट्रेन की क्या है स्पीड इंक्रीज करती है, और ऐसा कुछ नहीं है कि यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती हो, वो इंक्रीज कैसे करती है नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है, तो ये सिचुएशन डेवलप होती है उस केस में। नेक्स्ट आता है कि जब स्पीड क्या कर रही है डिक्रीज कर रही है विद द इंक्रीज इन टाइम। अब यहाँ पे देखिए ये तो है टाइम और वो किस में है सेकेंड्स में है, अब टाइम इंक्रीज कर रहा है उसके साथ साथ इसमें डिस्टेंस कितना है नॉन यूनिफॉर्मली जो है वो कवर कर रहा है। अब नॉन यूनिफॉर्मली डिस्टेंस कवर किया है तो यहाँ देखिए 1 है तो 10 मीटर 2 है तो 16 मीटर 3 है तो 17 मीटर्स, तो डिस्टेंस क्या है नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, टाइम क्या है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, इसीलिए ये किसका टाइप है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब देखिए इसमें जैसे जैसे हम आगे आगे जाते जा रहे हैं मतलब 0 से 1 2 3 जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम इंक्रीज करने की वजह से वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या है डिक्रीज करती जा रही है, जो अगर जब स्पीड की वैल्यू डिक्रीज करती रहेगी तो वो कौन सा ग्राफ शो करेगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन द स्पीड डिक्रीजेस विद टाइम। अब ये सिचुएशन कब होती है जब एक ट्रेन ने किसी प्लेटफॉर्म पे रुकना होता है, अब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पे रुकेगी तो वो एकदम से तो नहीं रुकती ना, धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम होना स्टार्ट होती है, इसलिए ट्रेन कभी कभार क्या होता है बहुत आगे भी रुक जाती है स्टेशन से और कभी कभार बहुत पीछे भी रुक जाती है क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही होती है। अगर यूनिफॉर्मली चल रही होती फिर तो जहां पे कहा जाएगा या जहां पे उसको रुकने के लिए बोला गया है वो वहीं पे ट्रेन को स्टॉप करना पड़ेगा, लेकिन ट्रेन तो यूनिफॉर्म स्पीड से चलती नहीं है वो तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है, तो ये सिचुएशन वहां पे डेवलप होती है।
नेक्स्ट हमारे पास आता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या मतलब है कि हम वाई एक्सिस पे तो क्या ले रहे हैं वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है किसमें, उसकी यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। ये मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में सिखा चुकी हूँ कि मीटर पर सेकंड उसकी यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। और जो एक्स एक्सिस होती है वहां पे क्या होता है टाइम, और टाइम किसमें होता है सेकंड में। तो हमारे पास फर्स्ट केस है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपको पता है कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और टाइम इक्वली बढ़ना चाहिए। अब देखिए इसके अंदर टाइम क्या है, 1 सेकंड का गैप है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे। जब यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है वो भी कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्म, यानी कि वो भी क्या है इक्वल टाइम इक्वल गैप के साथ इंक्रीज करनी चाहिए। 2 4 6 8 10 12 ये क्या है इक्वली इंक्रीज कर रही है। तो देखिए जब 1 सेकंड पे था तो उसने कितनी वेलोसिटी से चला वो बॉडी, 2 मीटर पर सेकंड। जब 2 सेकंड हुए तो कितने पे था, 4 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से ये क्या है यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहा है, इसलिए इस ग्राफ को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन इनिशियली द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। इनिशियली का मतलब मैं आपको बता चुकी हूँ कि इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे है 0 सेकंड्स, ये है 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए 2 4 6 8 10 12 14, तो यानी कि ये तो है एक किस्म से यूनिफॉर्म मोशन नहीं, ये तो आपको पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज कर रहा है इक्वली क्या है वेलोसिटी कवर हो रही है, तो है तो ये यूनिफॉर्म मोशन का ही पार्ट। लेकिन अब इसमें क्या है कि बॉडी क्या है स्टार्टिंग पॉइंट पे रेस्ट पे नहीं है। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो इसका मतलब है अभी वो बॉडी चलना स्टार्ट नहीं हुई है। तो जब रेस्ट पे होती है तो हम उसको 0 से स्टार्ट करते हैं। अब बॉडी रेस्ट पे नहीं है तो हम उसको ऊपर वाले वेलोसिटीज के साथ जो है वो स्टार्ट करेंगे। अब 2 से स्टार्ट हुई, स्ट्रेट पाथ कवर किया, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे तो क्या है वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। यही है कि अगर स्टार्टिंग पॉइंट 0 ना होके कोई और पॉइंट होता है तो अब हम इसको क्या बोलते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनिशियली व्हेन द बॉडी इज नॉट एट रेस्ट। क्या है हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो किस सिचुएशन के लिए हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं कि पहले तो क्या है देखो जब टाइम क्या था 0 सेकंड था तो वेलोसिटी क्या थी मैक्सिमम थी कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ वेलोसिटी क्या है डिक्रीज होती गई, धीरे धीरे वेलोसिटी डिक्रीज होते होते तक बिल्कुल ही कम हो गई। तो ये सिचुएशन जब आती है कि पहले तो वेलोसिटी क्या थी मैक्सिमम थी और धीरे धीरे वेलोसिटी क्या है डिक्रीज होती गई, तो उस टाइम पे जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं वो कुछ इस तरह का होता है कि हमें नेक्स्ट ईयर करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस सिचुएशन के लिए ड्रॉ करना है, जब हमारे पास स्पीड क्या है एक ऑब्जेक्ट की या वेलोसिटी क्या है एक ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म है। अब नॉन यूनिफॉर्म से क्या मतलब है कि धीरे धीरे जिस तरह से टाइम इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ वेलोसिटी क्या है यूनिफॉर्मली इंक्रीज नहीं हो रही है। देखिए पहले तो ये क्या है हायर पॉइंट पे चलेगी और उसके बाद क्या है वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज हुई, फिर क्या हो गई डिक्रीज हो गई। ऐसा नहीं है कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो। तो यहाँ पे इस तरह से इसको शो किया जाता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ को। आई रियली होप यू ऑल आर क्लियर विद दिस वीडियो। इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।